हाँ जी, कैसे हो आप सब? आज मैं आप सबको अपना ससुराल की साइड का गोल्ड दिखाऊंगी, मायके की साइड का गोल्ड दिखाऊंगी, उसके अलावा फर्नीचर भी दिखाऊंगी जो मैं शादी में अपने साथ लेकर आई थी। तो सबसे पहले ये मांग टीका देख लीजिए, ये मेरी ससुराल की साइड से मुझे चढ़ाया गया था जब मेरा गोद का फंक्शन नहीं हुआ था, बट जैसे सनी को जैसे सगाई देने गए थे तो इनकी मम्मी ने भिजवा दिया था। और ये वाला सेट था जो कि उन्होंने मुझे शादी पे चढ़ाया था, ये फेरों के टाइम मुझे चढ़ाया गया था। तो इसमें देखिए गले का सेट था और कानों के पहनने के थे, और ये कंगन भी मेरी ससुराल की साइड के थे, उन्होंने मुझे चढ़ाए थे, आप देख लीजिए। और ये अंगूठी भी मेरी ससुराल की थी, क्योंकि मैं पहले एक बार आपको अपनी ससुराल की साइड का गोल्ड दिखा देती हूँ जो उन्होंने मुझे चढ़ाया था। और ये गले में मंगलसूत्र जो पहन रखा है ये भी ससुराल की तरफ का था, और ये जो मैंने तगड़ी पहनी हुई है ना चांदी की, ये भी मेरी ससुराल की तरफ से मुझे चढ़ाई गई थी। तो अब ये मेरा मायके का गोल्ड शुरू हो गया है। तो मेरी मायके का मंगलसूत्र था ये जो कि मैंने ख़रीदा था, ये मैंने कानों के लिए थे। एक्चुअली मेरे को ज़्यादा हैवी पसंद नहीं है, मैं छोटे छोटे ही कानों में पहनना प्रेफर करती हूँ, तो इसलिए ये ले लिए थे। और ये वाला डिज़ाइन मुझे बहुत सुंदर लगता था और ये वाला मैं काफ़ी खुश होकर पहनती थी। और ये वाला मेरी मायके की साइड का सेट था जो कि मैं अभी आपको प्रॉपर दिखाती हूँ, ये चेनी सेट बोल सकते हो, जिसमें ये जो चेन है ये नकली है, बाकी जो आगे का जो लॉकेट सा है ये असली है और इसके कानों के असली हैं, ये सारा गोल्ड का है। तो ये मुझे मिला था मेरी शादी पे। और इसके अलावा ये अंगूठी भी मैं मेरे पापा जी के साथ गई थी और पसंद करके अपने लिए लेकर आई थी कि मैं पहना करूँगी। तो ये मंगलसूत्र तो मैंने आपको दिखाई दिया, मेरे मायके की साइड का है। और इसके अलावा ये जो झुमके आप देख पा रहे हो ये भी मेरे मायके की साइड के, और ये झुमके मेरे पास अभी इस टाइम भी है, ये झुमके है मेरे पास। और ये हाथों की चूड़ियाँ थी जो कि मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट करी थी शादी पे, और ये दो चेन दी थी मेरे पापा जी ने मुझे शादी पे, दो चेन दी थी, एक तो मेरे लिए दी थी, एक सनी के लिए दी थी। तो दोनों के लिए चेन दी थी, जैसे शादी पे गिफ्ट देते हैं ना, तो उन गिफ्ट में मेरे को भी चेन मिली थी। और ये नाक की नथ है जो कि इस टाइम मेरे पास है, क्यों है वो भी मैं आपको बताऊँगी आगे, वीडियो के साथ बने रहिएगा। और ये मेरे सनी की अंगूठी थी, और वो दूसरी तो आपको पता ही है। और ये नाक की नथ थी जो कि ये मैंने ख़रीदी थी। इसके अलावा ये जो मेरे सास ने पहन रखे हैं ना कानों पे, ये भी हमने शादी पे गिफ्ट करे थे उनको, जैसे सास की सास के दिए थे, ये सनी के मामा जी थे जिनको मिलनी करी थी, अंगूठी पहनाई थी सोने की। और ये मेरे ससुर जी थे जिनको मेरे पापा जी ने सोने की अंगूठी पहनाई थी। चलो अब एक बार मैं अपना फर्नीचर भी आपको दिखा देती हूँ। ये जो सोफ़े जिस पे मैं लेटी हुई हूँ ना, ये सोफ़े मेरी शादी पे मिले थे, देख लीजिए आप। तो ये पूरा सेट था, जैसे कमरा भर जाता है। और ये मेज भी थी ना, ये भी मेरे शादी की ही थी, इसमें जैसे सोफ़ा था मतलब और बीच में था। और ये जो पीछे आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ, ये जो टीवी आपको दिख रहा है ना पीछे, ये टीवी भी मेरी शादी का है। एक्चुअली मैं अपनी शादी पर दो टीवी लेकर गई थी, उसकी कहानी मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। तो ये देख लीजिए, ये अलमारी थी जो कि मेरी शादी की थी। और ये जो पीछे आपको साइड में छोटा सा एक फ्रिज दिख रहा है, ये भी मेरी शादी का ही था। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो चांदी भी काफ़ी थी, ये पजेबे जो थी उन्होंने मुझे चढ़ाई थी, उनकी तरफ की थी, मेरी तरफ की भी शायद इसमें होगी। मेरी दो पजेबे थी, दो जोड़ी पजेबे मेरे मायके की थी, नहीं तीन जोड़ी थी, सॉरी दो जोड़ी तो वैसे थी, एक जोड़ी मैंने शादी से पहले अपनी खुद के पैसों से सैलरी से खरीदी थी, और दो जोड़ी उन्होंने मुझे चढ़ाई थी। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो गोल्ड है ये सेट मैंने आपको दिखा दिया है। इसके अलावा ये जो अंगूठी आप देखने लग रहे हो, ये भी मेरी ससुराल वालों ने मुझे चढ़ाई थी। आगे मैं बताऊँगी कि ये सारा गोल्ड फिर कहाँ गया, कहाँ है आज के टाइम में, क्योंकि मेरे पास नहीं है, ये बात मैं सच बोलती हूँ। तो ये देखिए, ये मांग टीका था जो भी सेट मेरे को चढ़ाया गया था, और ये वाला देखो मेरे मायके की साइड का था जो गले का था पहनने का। इसके अलावा ये भी मेरे मायके का था, ये चेन देखो, ये तनिष्क की चेन थी जो कि मैं ख़रीद के पापा जी के साथ लाई थी कि मैं डे टू डे यूज़ में पहन लिया करूँगी। और ये अंगूठी थी जो कि हाँ, ये सारा देख लीजिए मेरे मायके की साइड का गोल्ड था। इसमें सारा कुछ नहीं है क्योंकि कुछ कानों के थे जो मैंने आपको अलग से दिखाए हैं, जो कि इसमें कुछ शामिल नहीं थे।
एक्चुअली ना मेरे मम्मी क्या थे, मेरे को ना शादी पे एक सेट देना चाहते थे, मतलब अपना खुद का, जो मैंने लेने से मना कर दिया था। मैं मम्मी को बोलती, मम्मी मुझे नहीं लेना, पुराने डिजाइन का है, मुझे तो ना एक चेन ले लूंगी मैं गले में पहनने की, जो मतलब डे टू डे यूज में पहन लिया करूंगी। तो पापा जी मुझे लेकर गए थे, तो मैंने तनिष्क से खरीदी थी एक चेन, खुद के लिए खरीदी थी एक चेन, हमारे पास घर से पड़ी थी जो कि मतलब हमने सनी के लिए रख दी थी। तो जो मेरा गोल्ड है उसमें देखो सनी के लिए चेन थी, ठीक है, इसके अलावा मेरे जो ससुर जी थे उनके लिए अंगूठी थी, खरीदी थी, मेरी जो सास थी उनके कानों में जो पहनने के जो होते हैं गोल्ड के, वो खरीदे थे। इसके अलावा हमारे रिवाज होता है, आपके भी होता है तो बताइएगा, एक्चुअली हमारे रिवाज होता है कि जो जैसे जो लड़का होता है उसके जो मामा होते हैं उनकी मिलनी करवाई जाती है, तो उनके जो मामा होते हैं उन्हें भी सोने की अंगूठी पहनाई जाती है। तो हमारे ये रिवाज है, उनके रिवाज नहीं था, मेरे सनी और के रिवाज नहीं था, बट हमारे रिवाज है ये। तो हमने हमारा रिवाज, मतलब मेरी मम्मी बोल रहे थे कि मिलनी करवानी है, तो एक सोने की अंगूठी मेरे जो सनी थे उनके मामा जी की भी करवाई थी। तो ये तो था मतलब वैसे जो गोल्ड जैसे मिलनी वगैरह का आगे का होता है। इसके अलावा मेरे गोल्ड में क्या क्या था मैंने आपको बता दिया, एक तो मेरा गले का सेट था जो मैंने अभी आपको दिखाया, इसके अलावा एक गोल्ड की चेन खुद की मेरे लिए भी थी, इसके अलावा ये तीन चार आपने देखे ही हैं मेरे, वैसे अलग से भी थे, झुमके हैं, कोई कुछ है, नाकी नथ है, और हाथों के कंगन है, अंगूठी भी है, इस तरीके से गोल्ड की चीज़ें मेरी थी। तो ये बात मैं बता रही थी। उसके बाद मैं जब आई ना, मतलब बस मैं इतना बताऊंगी कि जब मैं ससुराल से आई थी तो मेरे ना मैं गोल्ड में और बाकी तो कुछ भी नहीं लेकर आई, क्योंकि मेरे पास नहीं था, मेरे पास मैंने अपने पास रखा ही नहीं हुआ था कुछ भी गोल्ड। तो उस टाइम ना जैसे हमारे पास ना बीच में क्या था कि एक बार थोड़ा सा ना बुरा टाइम चल रहा था सनी और मेरा, एक्चुअली मैं थोड़ी बीमार पड़ गई थी और सनी ने थोड़े से मेरे ऊपर पैसे लगा दिए थे, जो कि ऐसा था कि ज़्यादा पैसे नहीं थे, मतलब बस ज़्यादा नहीं था, सिर्फ ये लगा लो मतलब करीबन 18,000 रुपए का ना हमने वो लोन ले रखा था, ज़्यादा नहीं था 18,000, कुछ भी नहीं, एकदम से, जैसा कई बार हो जाते हैं ना हमें अर्जेंटली पैसे लेने होते हैं, बाद में होता है कि अगले महीने उठा लेंगे दोबारा से। तो मैंने अपनी एक नाक की नथ और कानों के झुमके ना बैंक में रखवा रखे थे, और बाकी सब चीज़ें तो मेरे पास पहले से भी नहीं थी। तो वो मतलब क्या हुआ कि वो जो मैंने मतलब रख रखे थे, वो जैसे सनी के जाने के बाद मैंने मेरे पापा जी से पैसे लिए 17-18 हज़ार रुपये, और एक बार लेके वो उठा के वो निकलवा लाई थी मैं। तो मेरे पास अभी इस टाइम सोने में क्या क्या है तो मैं आपको बता देती हूँ। आज के टाइम में मेरे पास एक तो मेरी नाक की नथ है जो कि मैंने दिखाई थी, जो इतनी सी है ना, आप ध्यान से देखोगे तो मैंने मेरी शादी वाले दिन भी वही नथ पहन रखी थी, तो वो नथ है मेरे पास। एक कानों की जो छोटी छोटी वो है ना, क्यूट सी लगती है, प्यारी सी, वो झुमकी है मेरे पास। और एक तीसरी चीज़ जो मेरे पास ससुराल की तरफ से आज के टाइम में जो भी उन्होंने मुझ पर गोल्ड चढ़ाया था उनमें से एक गोल्ड है मेरे पास, सिर्फ एक गोल्ड है मेरे पास जो उनकी तरफ से चढ़ाया हुआ, वो है मेरा मंगलसूत्र, जो ससुराल की तरफ से सनी ने मुझे फेरों पे मंगलसूत्र चढ़ाया था, वो मैंने अपने पास रखा हुआ है, बस वो मेरे पास है, जो कि अभी मेरे पास मैंने रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है उसको, क्योंकि भाई एक लड़की अपना मंगलसूत्र तो कभी नहीं छोड़ सकती ना, आप ये बात सोच के देखिए, सबसे ज़्यादा उसके लिए तो वो होता है ना कि मंगलसूत्र ही उसके लिए सब कुछ होता है। तो मंगलसूत्र तो मतलब वो तो उसको तो मैं मतलब है ना मेरे, तो मैं उसको ऐसे देखने लग जाती हूँ कई बार, तो मेरे को मैंने उसे अपने पास संभाल के रखा हुआ है। तो ये चीज़ थी। और आपको मैंने अपना फर्नीचर भी दिखा दिया, मेरे फर्नीचर में मैंने क्या क्या लेकर गई थी मैं, पता है, हाँ मैं बता रही थी कि दो टीवी का क्या सीन है, मैं बताती हूँ। जो एक्चुअली क्या था कि मेरी पता है आपको सनी और मेरी लव मैरिज थी, कोई अरेंज मैरिज नहीं थी। तो हुआ क्या था कि जैसे ना हम मतलब मैं क्या करती थी उस टाइम, नौकरी किया करती थी, तो एक बार मेरे दिल में आया कि मैं सनी को कुछ गिफ्ट दूंगी। वैसे मैं छोटे मोटे ऐसे गिफ्ट दे देती थी सनी को, जब भी मुझे कुछ अच्छा लगता था ऑनलाइन ऑर्डर करती थी, और जब मिलती थी कभी भी दे देती थी, ऐसे गिफ्ट दे देती थी, अच्छा लगता था मुझे, खुशी मिलती थी मेरे को, सनी के फेस पे जब स्माइल आती थी तो मुझे अच्छा लगता था। तो मैं सनी को ना कुछ सरप्राइज गिफ्ट देना चाहती थी, तो मैं सोच रही बैठी खाली कि मैं क्या दूं, मुझे सनी को ना थोड़ा सा चाहती हूँ एकदम से सनी चौंक जाए। तो
फिर मेरे दिमाग में आया कि एक्चुअली मेरा ना नया नया क्रेडिट कार्ड आया था, क्योंकि एकदम से तो आप भी जानते हो, आप बाहर रहते हो, आप कितने खर्चे होते हो, आप बड़ा खर्चा नहीं कर सकते हो। तो मैंने ना क्रेडिट कार्ड पे ना एक LED ऑर्डर कर दी थी, मतलब TV ऑर्डर कर दिया था उस पे प्री पेमेंट पे, मतलब पेमेंट मैंने पहले ही कर दी थी। मैंने सैमसंग की ऑर्डर करी थी जो कि आई थिंक मुझे 20,000 से कम, 19-20 हज़ार की रेट में पड़ी थी, 19,000 या 20,000 की थी, 32 इंच की थी। तो वो मैंने ऑर्डर कर दी थी, वो एकदम से सनी के घर पे आई। तो फिर उस पे जैसे नंबर वगैरह, फ़ोन नंबर मेरा लिखा हुआ था, तो सनी ने मेरे पास फ़ोन मिलाया, बोलता अरे तूने TV ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा हाँ मैंने करा है। मैंने कहा लगवा लेना, अच्छी जगह अपना सेट करवा लेना घर में। तो बोलता, फिर सनी बोलते यार इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास। मैं बोलती पैसे ना आप टेंशन लो, क्रेडिट कार्ड पे ऑर्डर कर रहा है, आराम से आप ही भरते रहना। मतलब मजाक कर रही थी मैं ऐसे इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने ना जैसे एक TV तो तब गिफ्ट करी थी ऐसे ही, मतलब मुझे अच्छा लगता था सनी के लिए कुछ करना। और फिर जैसे एक शादी के टाइम मेरा क्या क्या था, एक फ्रिज था, एक TV था, आपने अलमारी मेरी देखी ली, अलमारी ना बड़ी अलमारी थी काफ़ी, जिसमें मतलब मेरा सामान भी अच्छे से आ जाए और सनी का भी आ जाए। तो शीशा भी उसी में ही लगा हुआ था, तो ड्रेसिंग टेबल अलग से नहीं लिया था, आजकल लेता भी नहीं है कोई भी, हर कोई क्या करता है जो अलमारी के साथ ही ड्रेसिंग मतलब शीशा अटैच होता है वो ले लेता है। तो वो वाला अलमारी ली थी, हाँ अलमारी ली थी, फ्रिज लिया था, और बेड आपको मेरे कैसे लगे आप मुझे बताइएगा कॉमेंट करके। मेरी शादी के बेड कैसे थे, वाइट कलर के थे, ऐसे सर्कल सर्कल में, वो